मीमांसा दर्शन जगत को नित्य और अनादि मानता है। वैशेषिक सांख्य आदि दर्शन जड़ तत्वों को नित्य मानते हुए भी सृष्टि और प्रलय मानता है, लेकिन मीमांसा दर्शन सृष्टि और प्रलय नहीं मानता, किंतु वह कहता है कि जगत अनादि है और अनंत है। ये जगत स्वप्नवत नहीं है, भ्रम नहीं है, मिथ्या नहीं है, किंतु इसकी एक यथार्थ सत्ता है। इसका बाहरी रूप बदलता रहता है, लेकिन ये जगत कभी पूरा का पूरा ना तो हो जाएगा। मीमांसा दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि जड़ द्रव्यों में शक्ति और क्रिया है, जड़ द्रव्यों की शक्ति और क्रिया स्वतः है, स्वमेव है, और जड़ द्रव्यों की शक्ति और क्रिया से जगत अनादि अनंत है। जगत को चलाने के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। मीमांसा दर्शन में ईश्वर के लिए रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है। वह देवता मानता है, अनेक देवता हैं, ऐसे ईश्वर भी होगा तो कोई देवता होगा, लेकिन सृष्टि बनाने के लिए ईश्वर की कोई जरूरत नहीं, कर्मफल भोग देने के लिए ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। जगत तो नित्य है, उसके लिए ईश्वर की क्या जरूरत है। चूंकि द्रव्यों में शक्ति और क्रिया है और द्रव्य नित्य है, तो नित्य द्रव्य में उसकी जो शक्ति है, उसकी जो क्रिया वो नित्य है, तो इससे जगत की गतिविधि नित्य होगी, तो जगत नित्य होगा, और जो नित्य अनादि है वो अनंत भी होगा, उसका नाश कैसे होगा। इसलिए न तो संसार की एक सिरे से सृष्टि होती है और न ही संसार का पूरा प्रलय होता है। वस्तुएं बदलती रहती है, अनेक पदार्थ बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ये बात अलग है, और ऐसा होते हुए भी जगत नित्य गतिशील है और प्रवाहमान है। इस प्रकार ईश्वर की आवश्यकता से रहित मीमांसा दर्शन जगत को नित्य और अनादि स्वीकार करता है और प्रबलता से स्वीकार किया है। अब प्रश्न यह होता है कि ईश्वर तो नहीं है, तब कर्मों का फल कम देता है, हर जीव को अपने कर्मों का फल मिलता है, और हम ये भी देखते हैं कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों में से कुछ कर्मों के फल तो आज मिल गए और बहुत से कर्मों के फल आज मिलते ही नहीं हैं। तो कहा जाता है कि उन कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, कौन देता है वो कर्म का फल, ईश्वर तो है नहीं, तो कौन देगा। इसके लिए मीमांसा दर्शन कहता है अपूर्व से जीवों को अपने कर्मों का फल मिलता है। वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर नहीं है, तो वैशेषिक दर्शन ने कहा था कि जीवों को कर्मों का फल अदृष्ट से मिलता है, अदृष्ट जो दिखाई न दे। मीमांसा दर्शन कहता है कि अपूर्व से मिलता है, चाहे वैशेषिक का अदृष्ट हो चाहे मीमांसा का अपूर्व हो। यह है क्या, ये कर्म संस्कारों की शक्ति, जो कर्म हमने किया है उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर में स्थित है, तो उन संस्कारों में ऐसी शक्ति है कि अपने आप जीव को कर्मों का फल मिलता है। उसके लिए अलग से दैवी शक्ति की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। कर्मों के फलों की जो पूर्व अवस्था है उसी को ही मीमांसा दर्शन ने अपूर्व कहा है। और महर्षि बादरायन ने अपने वेदांत सूत्र में एक सूत्र कहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जैमिनी धर्म को कर्मों का फलदाता मानता है। यहाँ धर्म क्या है, धर्म है कर्म संस्कारों की शक्ति।
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी शंकराचार्य लिखते हैं कि फल की पूर्वावस्था, जो फल नहीं मिला है उस फल के मिलने की जो पूर्व अवस्था है उसी का नाम है अपूर्व। और उन्होंने लिखा है कि फल की जो पूर्वावस्था है जिसका नाम अपूर्व है, जिससे जीवों को कर्मों का फल मिलता है, यह बात युक्ति संगत है। ईश्वर फल देता है ऐसा जो लोग कहते हैं यह युक्ति विरुद्ध है। ये स्वामी शंकराचार्य ने खुद लिखा है इसकी व्याख्या करते हुए कि ईश्वर फल देता है, लोग कहते हैं यह युक्ति विरुद्ध है, क्योंकि विभिन्न कार्यों का एक कारण नहीं हो सकता, अनेक जीव हैं तो एक ईश्वर फल वो कैसे दे सकता है, इसलिए अपूर्व से मिलता है यह युक्ति, अपूर्व अर्थात कर्म संस्कारों की शक्ति से मिलता है, इसलिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है कर्म फल भोग देने के लिए। आत्मा मीमांसा दर्शन स्वीकार करता है कि जड़ तत्वों से सर्वथा परे आत्मा का अपना अलग अस्तित्व है। आत्मा जड़ तत्वों से सर्वथा भिन्न है और नाना है, अनेक है। मीमांसा दर्शन जीव शब्द का प्रयोग नहीं करता, पुरुष शब्द का भी प्रयोग नहीं करता, वो आत्म शब्द का प्रयोग करता है। और ये बताता है मीमांसा दर्शन कि जड़ बिल्कुल अलग, चेतन बिल्कुल अलग, न तो जड़ से चेतन बना है और न ही चेतन से जड़ बना है, दोनों के गुणधर्म सर्वथा विलक्षण हैं, एक दूसरे से सर्वथा पृथक हैं। और आत्मा एक नहीं है, अनेक है, लेकिन आत्मा को अनेक मानते हुए भी मीमांसा दर्शन कहता है कि आत्मा व्यापक है, जैसे कि वैशेषिक दर्शन ने कहा है कि आत्मा अनेक है, लेकिन वैशेषिक ने भी ये कहा है कि आत्मा व्यापक है। अब उन्होंने ये नहीं विचारा कि जब आत्मा अनेक है तो व्यापक कैसे होगा, उस काल में आत्मा को व्यापक कहने का प्रचलन था, इसलिए आत्मा को अनेक मानते हुए भी व्यापक कह दिया गया है। और महर्षि जैमिनी ने ये कहा है पुरुष चेतन आत्मा को इंद्रियों के संयोग से जो ज्ञान होता है वह ज्ञान पृथक है, अर्थात इसका भाव यह है कि देह से और इंद्रियों से आत्मा अलग है। आत्मा का निवास इस शरीर में है, लेकिन शरीर और आत्मा को एक मत मानो, शरीर अलग और आत्मा अलग। आत्मा को देखने का माध्यम क्या है, तो आत्मा का ज्ञान, जीव का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता, उसे किसी वस्तु द्वारा दिखाया नहीं जा सकता, उसका ज्ञान अपने आप होता है, स्वयं को होता है, वह आत्मा स्वसंवेद्य है, अपने आप ज्ञात है, मैं हूं इसकी प्रतीति सबको हो रही है, क्या किसी को बताना थोड़े पड़ेगा कि तुम हो। जब कोई किसी को बताएगा कि तुम हो तब वो अपने आप को थोड़े जानेगा, मैं हूं ऐसा ज्ञान तो सबको हर समय हो रहा है। तो आत्मा अपने आप ज्ञात है, इसे न तो दिखाया जा सकता है और न इंद्रियों के द्वारा से इसे देखा जा सकता है। ज्ञानों का एक स्थायी ज्ञाता जो अपने आप जाना जाता है, ज्ञान कौन करता है, जड़ तत्वों में ज्ञान करने की शक्ति तो है नहीं, जड़ तत्व न तो अपने को जानते हैं और न ही आत्मा को जानते हैं, लेकिन एक ज्ञाता है जो हर पदार्थ को जानता है, हर दृश्य जगत को जानता है, वो कौन, वही आत्मा है।
इसलिए कहा गया है कि बुद्धि बुद्धि इंद्रिय शरीर इनसे आत्मा सर्वथा भिन्न है, नित्य है, प्रति शरीर में अलग अलग हैं और सबको अपने अलग होने का अनुभव होता है। मीमांसा दर्शन अनेक आत्मा मानता है, शरीर से अलग मानता है, लेकिन ऐसा मानते हुए भी आत्मा को व्यापक कहता है। मीमांसा दर्शन में स्वर्ग की बड़ी महिमा है। उसका कहना है कि इस पृथ्वी लोक से अलग एक स्वर्ग लोक है। जो लोग यहां इस धरती पर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और यज्ञ हवन द्वारा जब खूब पुण्य वो बटोर लेते हैं, तब वे स्वर्ग में जाकर वहां बहुत दिन तक सुख का उपभोग करते हैं। मीमांसा दर्शन ये भी स्वीकार करता है कि यज्ञ करने से पुण्य होता है और उसके फल में स्वर्ग मिलता है, लेकिन वो स्वर्ग का सुख भी नाशवान है। जैसे दुनिया का सुख नाशवान है, वैसे स्वर्ग का सुख भी नाशवान है। स्वर्ग के सुख स्थायी नहीं मानता, स्वर्ग को प्रबलता से स्वीकार जरूर किया है, लेकिन जैसे स्वामी परंपरा के अनुयायी मानते हैं कि स्वर्ग स्थायी है, एक बार जो स्वर्ग में चला गया वो हमेशा के लिए चला गया, ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, वे मानते हैं कि एक बार जो स्वर्ग में गया वो सदैव के लिए गया, एक बार जो नरक में गया वो सदैव के लिए गया। मीमांसा ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि लौकिक भोग के समान स्वर्गिक भोग भी नाशवान है। हाँ, बस फर्क इतना है उसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़िया है। दुनिया के जो भोगों की जो क्वालिटी वो थोड़ी घटिया है, और स्वर्ग के भोगों की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़िया, थोड़ी ज़्यादा अच्छा है। मीमांसा दर्शन नरक भी मानता है कि जो लोग इस दुनिया में रह करके बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उन लोगों को नरक में जाकर वहाँ दुख भोगना पड़ेगा। तो स्वर्ग और नरक दोनों को काफी विस्तार से प्रबलता से इसमें स्वीकार किया गया है। मीमांसा दर्शन सक्री आदि दर्शन है, क्रियकांड बोल रहे हैं, ये कर्मकांड पर जोर है। तो निष्क्रियता का एक खंडन करता है वेद। उसका कहना है महर्षि जैमिनी का वेद का अर्थ क्रियाकांड में है, क्रिया में है। अर्थात वेद के जितने भी मंत्र हैं सारे के सारे मंत्र कर्मकांड परक है। वेद के जिन मंत्रों जिन वचनों में अक्रियता अखंड ब्रह्म का बोध होता है, ऐसे वचन अनर्थक हैं, बेकार हैं, इसलिए उनका प्रमाण नहीं मानना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है, मीमांसा दर्शन वेद को अपौरुषे मानता है, अनादि मानता है, और प्रबलता से कहता है कि वेद वचन परम प्रमाण हैं। लेकिन उसको लेकिन वो यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं, जहाँ कहा गया है कि आत्मा अक्रिय है, अखंड है, तो ऐसे वेद वचन को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। क्योंकि आत्मा अक्रिय है, आत्मा स्वभाव में ब्रह्म के स्वभाव में क्रिया नहीं है, वो अखंड है। जब वो उसमें क्रिया नहीं है और यदि वेद से सिद्ध हो रही है तो वेद वचन फिर तो गड़बड़ झाला हो जाएगा, फिर उसमें तो यज्ञ आग सब 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 बेकार चला गया, और ये यज्ञ के लिए जोर ज्यादा है। तो कहता है कि वेद के जिन वचनों में अक्रियता अर्थात अखंड ब्रह्म का बोध होता हो, ऐसे वचन अनर्थक हैं और उनका प्रमाण नहीं मानना चाहिए। सीधा अर्थ यह है, मीमांसा का कहना है कि वेदों का उपदेश केवल यज्ञों के लिए है, केवल कर्मकांड के लिए है, क्रिया प्रधान के लिए है। इसलिए वेद में कर्मकांड परक जो बातें बताई गई है ऐसे ही मंत्र सार्थक हैं।
और जहां पर वेद में यह कहा गया है कि ब्रह्म अपूर्व है, कारण रहित है, अनपर है, कार्य रहित है, बिजादी तत्वों से सर्वथा रहित है, अकेला है, अद्वितीय है, असंग है, तो ऐसे वेद मंत्र बेकार है, निष्प्रयोजन है। अब इसीलिए स्वामी शंकराचार्य ने महर्षि जैमिनि के ऐसे मंत्रों को उद्धृत करके उसका खंडन किया है। और यह भी एकांगी अर्थ है उनका, क्योंकि महर्षि जैमिनि को यज्ञों का मंडन करना था और यज्ञों के मंडन में यदि निष्क्रिय आत्मा की बात आ गई, अखंड ब्रह्म की बात आई, तब तो फिर कर्मकांड बनेगा कैसे? मोक्ष मुख्य रूप से मीमांसा दर्शन जैसे कहा गया है कि कर्मकांड परक है। मीमांसा दर्शन के शुरुआत में ही महर्षि जैमिनि ने कहा है कि मैं धर्म की व्याख्या करता हूँ, मैं धर्म का वर्णन करता हूँ। पूछा गया कि धर्म क्या है, तब उन्होंने कहा जिन कर्मों के लिए वेद प्रेरणा करे वे कर्म धर्म हैं। महर्षि कनाद ने कहा था कि यतो यभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो, इस लोक में भी सुख मिले और मरने के बाद फिर सुख की प्राप्ति हो, मरणांतर में जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे कर्म धर्म हैं। महर्षि जैमिनि कहते हैं जिन कर्मों के लिए वेद प्रेरणा करे वे कर्म धर्म है। और वेद की प्रेरणा किसके लिए है? यज्ञ करो और उसके फल में स्वर्ग का भोग करो। इसलिए महर्षि जैमिनि के मीमांसा दर्शन में स्वर्ग स्वरूपरि उपलब्धि है, मोक्ष की चर्चा मीमांसा दर्शन में नहीं है। मूल मीमांसा दर्शन जिसकी रचना महर्षि जैमिनि के लिए की है उसमें मोक्ष का वर्णन नहीं है प्रायः, लेकिन आगे चल करके उनके अनुयायियों ने मोक्ष पर विचार किया है। चूंकि भारतीय परंपरा में स्वर्ग को सर्वोपरि उपलब्धि नहीं माना गया है, भारतीय परंपरा में चार्वाक दर्शन को छोड़ करके बाकी जितने भी दर्शन हैं सब मोक्ष की चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि मोक्ष में ही दुख की सर्वथा निवृत्ति है, दुखों की पूरी समाप्ति मोक्ष में है। लेकिन मीमांसा दर्शन मोक्ष की चर्चा नहीं करता, स्वर्ग को चर्चा करता है, वह स्वर्ग को सर्वोपरि उपलब्धि मानता है। तो बाद में हो सकता है कि मीमांसा दर्शन के अनुयायियों को इसके लिए आलोचना सुननी पड़ी हुई हो। तब महर्षि जैमिनि के पश्चात जो मीमांसा दर्शन के विचारक हुए हैं उन लोगों ने मोक्ष पर विचार किया और आगे चल करके कुमारिल ने कहा, क्योंकि कुमारिल मीमांसा दर्शन के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा कि जीव धर्म और अधर्म अर्थात पुण्य और पाप कर्मों के संस्कार अधीन नाना योनियों में भटकता है। जब धर्म और अधर्म अर्थात पुण्य और पाप दोनों कर्मों के संस्कार पूरी तरह से क्षीण हो गए, अब पूरी तरह से जब दोनों संस्कार क्षीण होकर के जीव का देह धारण करने का अंत हो गया, तब जीव का मोक्ष होता है, तब जीव विदेह मुक्त हो जाता है। हाँ, यह बताया गया कि इस विदेह मुक्ति के लिए अर्थात जीव को सारे कर्मों के संस्कारों को छीन करने के लिए, पाप कर्म के संस्कार हों, पुण्य कर्म के संस्कार हों, उनको छीन करने के लिए सम दम विवेक वैराग्य आदि साधनों की आवश्यकता है।
बस फिर विदेह मुक्ति में होगा क्या? विदेह मुक्ति में जीव ये आत्मा अपने आप शुद्ध बुद्ध अकेला असंग रह जाएगा। वहाँ पर उस विदेह मुक्ति में आनंद की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि आनंद की अनुभूति तो तब होगी जब दुख का अनुभव होगा, और वहाँ तो दुख का सर्वथा अभाव है। पहले हमें भूख लगती है तब भोजन में आनंद आता ही है, भूख ही नहीं है तो भोजन में आनंद क्या आएगा? किसी प्रकार का दुख ही नहीं है, क्लेश ही नहीं है, तो वहाँ आनंद की बात ही कहाँ रह गई? तो विदेह मुक्ति में दुखों का सर्वथा अभाव होने के कारण जीव को किसी प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं होती, बस जीव अपने आप रहता है। विदेह मोक्ष गुणातीत दशा है, वहाँ न तो क्लेश की बात है और न ही वहाँ आनंद की बात है, सारे विशेषणों से रहित वह शुद्ध बुद्ध निर्विकार अवस्था है। इस प्रकार से आगे चल करके मीमांसा दर्शन में मोक्ष पर विचार किया गया है। अब थोड़ी सी उस पर एक तुलना कर देते हैं, बस को समाप्त करते हैं आज। पार सिद्धांत में शब्द प्रमाण मान्य है, लेकिन आंख मूंद करके नहीं, विवेक पूर्वक परख की कसौटी लगाकर। मीमांसा दर्शन ये कहता है कि वेद अपौरुषेय है, अनादि है, स्वयंभू है, इसलिए वेद वचन प्रमाण है। पार सिद्धांत इसको स्वीकार नहीं करता। तभी वेद वचन को ही पर ही कोई प्रमाण क्यों ना क्यों माने, हम बाइबल वचन को क्यों ना माने? जब शब्द नित्य है, मीमांसा दर्शन कहता है कि शब्द नित्य है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बाइबल के शब्द भी नित्य है, कुरान के शब्द भी नित्य है, और यहाँ तक जिन पुस्तकों में अश्लील वर्णन है उनके शब्द भी तो नित्य है, फिर उनको भी कैसे प्रमाण मान लिया जाएगा? तो वेद अनादि है ये बात ही गलत है, पहली बात तो ये। वेद अपौरुषेय है यह भी गलत है, वेद स्वयंभू है यह भी गलत है। कोई पुस्तक अनादि कैसे होगी, कोई पुस्तक स्वयंभू और अपौरुषेय कैसे होगी? इसलिए वेद न तो अपौरुषेय है और न ही स्वयंभू है। पर सिद्धांत स्वीकार करता है कि वेद ऋषियों की रचनाएं हैं, जिस ढंग से उन लोगों को सूझ हुई उस ढंग से उन्होंने लिखा। किसी भी शास्त्र के वचन, किसी भी शास्त्र के शब्द आंख मूंद का स्वीकार करने योग्य नहीं है, किंतु पर की कसौटी पर जो भी सही सिद्ध हो वो सब स्वीकार करने योग्य है। जगत प्रवाह से अनादि और अनंत है, अनंत इसका कोई कर्ता नहीं है। जगत अपने गुणधर्मों से स्वयं स्वमेय चल रहा है। मीमांसा दर्शन और पार सिद्धांत दोनों में इस बात की स्वीकृति है। मीमांसा दर्शन जो कहता है इसको पार सिद्धांत स्वीकार करता है। कबीर साहब ने पार सिद्धांत दिया, और मीमांसा दर्शन तो आज से 2,500 साल पहले का है। मीमांसा दर्शन जो ये कहता है कि जगत अनादि है, अनंत है, अपने गुणधर्मों से चल रहा है, पार सिद्धांत इसको स्वीकार करता है। रही बात अपूर्व की, तो इसको भी पार सिद्धांत स्वीकार करता है। वो मीमांसा दर्शन कहता है अपूर्व कहता है, हम कर्मों के संस्कार कहते हैं, बात अलग है, शब्द अलग है, चीज एक है, क्योंकि हर जीव को अपने कर्म संस्कारानुसार ही फल भोग होता है, उसका कोई दाता नहीं है। तो यहाँ पर दोनों में समानता है। हाँ, शब्द अलग है, हम अपूर्व नहीं कहते, मीमांसा अपूर्व कहता है, बात एक ही है। आत्मा व्यापक है, तो एक है, एक हो तो व्यापक मान लेते, जैसे कि वेदांत में माना गया है। जब आत्मा अनेक है तो व्यापक कैसे होगा? एक की व्यापकता दूसरे के अस्तित्व में बाधक होगी। और दुनिया में कोई चीज ही व्यापक नहीं है, तो आत्मा की व्यापकता एक धारणा है, एक मान्यता है, तथ्य नहीं है। कबीर दर्शन और मीमांसा दर्शन इनमें यहां पर अंतर है। जीव को अपने कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है, कबीर दर्शन ये तो स्वीकार करता है, लेकिन इस लोक के अलावा कहीं आकाश में स्वर्ग और नरक है,
इसको स्वीकार नहीं करते। रही बात मोक्ष की, तो मीमांसा दर्शन जो कहता है कि मोक्ष दुखरहित अवस्था है, गुणातीत अवस्था है, जीव का अपने आप रह जाना है, शुद्ध बुद्ध असंग निर्विकार, केवल दर्शन भी इसको स्वीकार करता है ज्यों कहती हूँ। क्योंकि मोक्ष में न सुख है न दुख है, वहाँ तो असंग अवस्था है, गुणातीत अवस्था है, बस अपने आप रह जाना है। तो मोक्ष के संबंध में भी मीमांसा दर्शन में और केवल दर्शन में समानता है। अब उस समय चूंकि महर्षि जैमिनी को यज्ञों पर जोर देना था, यज्ञों की विशेषता बतानी थी, तो यज्ञों के जोर में पढ़ करके, अतिशयोक्ति में पढ़ करके उन्होंने कह दिया कि जो अक्रिय है वह अनर्थक है। तो जब आप ये कह रहे हैं एक ओर से कि जीव की जो मोक्षावस्था है वहां पर अक्रियता है, गुणातीत अवस्था है, फिर उसको कहना कि वो अनर्थक है, दोनों में तो तालमेल होता नहीं है। जीव स्वभाव से अक्रिय है, जीव के स्वरूप में क्रिया नहीं है, इसलिए जहां जहां अक्रिय है, जो समाधि की अवस्था कही जाती है, पूर्ण संकल्प की समाप्ति हो गई, मन शून्य हो गया, तो वहां पर कौन सी क्रिया रही? समाधि में क्रिया नहीं रही। तो मीमांसा दर्शन में जो कहा गया है कि अक्रियता अनर्थक है, कबीर दर्शन पारसिद्धांत इसको स्वीकार नहीं करता। अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान की ऊंचाई निष्क्रिय अवस्था ही है, उसी का परिणाम मोक्ष में जीव का क्रिया रहित, क्रियाहीन अपने आप रह जाना है। अंत में तो सारे प्रपंचों को भुला करके अपने आप में स्थित ही होना है, और जब तक कर्म प्रपंचों में कोई उलझा हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति, विदेह मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए यहां पर आकर के जो मीमांसा ये कहता है कि अक्रियता अनर्थक है, कभी दर्शन में अपार और मीमांसा दर्शन में अंतर है। मोक्ष अक्रिय अवस्था है, सारी क्रिया या तो जड़ तत्वों में है या जीव के साथ शरीर संबंध से है, जीव स्वरूप में क्रिया नहीं है। इसको कभी दर्शन प्रबलता स्वीकार करता है, जिसको मीमांसा स्वीकार नहीं करता।